हेलो दोस्तों, मैं हूं पविंदर और स्वागत है आपका मेरे नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। तो दोस्तों, हम पीएचपी में मैजिक मेथड्स के बारे में सीख रहे हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने कॉल मैजिक मेथड के बारे में सीखा, तो आइए चलिए आज बात करते हैं कॉल स्टैटिक मैजिक फंक्शन के बारे में। तो दोस्तों, जो कॉल स्टैटिक मैजिक फंक्शन है, ये पीएचपी में कॉल होता है उस केस में जब आप जो है उस क्लास के थ्रू उसकी स्टैटिक प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस करते हो, और वो स्टैटिक प्रॉपर्टी जो है या तो प्राइवेट है या प्रोटेक्टेड है, या वो उस क्लास में एग्जिस्ट ही नहीं करती है। तो ऐसे केसेस में जो है उसके जो कॉल स्टैटिक फंक्शन है पीएचपी में बिहाइंड द सीन ऑटोमेटिकली कॉल होता है। तो आइए देखते हैं इसको किस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये मेरी कस्टमर क्लास है, यहाँ पर सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, जो इसका इसके अंदर जो है एक स्टैटिक मेंबर यहाँ पे फंक्शन डिफाइन करके रखता हूँ। तो ये प्राइवेट हम डिफाइन करेंगे, और जैसे मैंने कहा स्टैटिक फंक्शन होगा, और इसका नाम हम सिंपली जो है डेमो देंगे। जो भी आप नाम देना चाहते हो, आप अपनी सहूलियत अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली दे सकते हैं। और सिंपली मैं यहाँ से आउटपुट कराऊँगा एको मैसेज डेमो स्टैटिक फंक्शन कॉल्ड। सिंपल यही मैसेज मैं एज एन आउटपुट यहाँ पे डिस्प्ले कराऊंगा फिलहाल के लिए। तो जब जो स्टैटिक फंक्शन है इसको जब कॉल करूँगा, तो इसके लिए आपको पता है कि जो स्टैटिक प्रॉपर्टी है उसके लिए ऑब्जेक्ट की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट डिपेंडेंट नहीं होती है। हम उसको डायरेक्टली क्लास के थ्रू कॉल कर सकते हैं। तो कस्टमर हमारी क्लास का नाम है, और डेमो इसका फंक्शन है स्टैटिक फंक्शन। स्टैटिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में आपने और भी कुछ जानना है, तो मेरी जो वीडियो है स्टैटिक मेथड एंड प्रॉपर्टीज़ के ऊपर, आप उसको जाके देखिए, आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर जाके पहले वॉच कीजिए कि स्टैटिक प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। तो जैसे स्टैटिक प्रॉपर्टीज़ है, मैंने ये डेमो जो इसका स्टैटिक फंक्शन है ये कॉल कर लिया है क्लास की हेल्प से। तो अगर मैं इसको रिफ्रेश करके यहाँ पर देखता हूँ, तो ये वही फेटल एरर आ जाता है, क्योंकि प्राइवेट मेथड है ये कस्टमर का डेमो फंक्शन जो आप कॉल कर रहे हो। तो इस तरह से अगर आप कॉल करते हो डायरेक्टली जो है, तो वो एरर वहाँ पे जनरेट कर देता है। तो इस एरर को रिजॉल्व करने के लिए हम यहाँ पे फंक्शन क्रिएट करेंगे, पब्लिक स्टैटिक फंक्शन, और इस फंक्शन का जो नाम है, जैसे मैंने कहा, डबल अंडरस्कोर कॉल स्टैटिक। जैसे कॉल फंक्शन है वैसे ही ये भी यूज़ होता है, बस ये सिंपल जो यूज़ होता है स्टैटिक प्रॉपर्टीज़ के साथ, और ये यूज़ होता है नॉर्मल जो फंक्शंस होते हैं उनके साथ। ठीक है, तो ये भी यहाँ पे दो ही आर्गुमेंट होता है। मैं थोड़ा टाइम सेविंग के लिए ये चीज़ यहाँ पे एज इट इज़ ही कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ पर भी हम टेस्ट कंडीशन लगाएंगे। तो मैं यहीं से ये चीज़ उठा के लगा रहा हूँ सिंपली। तो यहाँ पे सिंपली हमने कहा मेथड एग्जिस्ट करता है, ऑब्जेक्ट के केस में तो यूज़ होता है डॉलर दिस, ये जो कीवर्ड है, लेकिन जब हम क्लास को रेफर कर रहे हैं तो डबल अंडरस्कोर क्लास। ठीक है, इस तरह से यूज़ किया जाता है, जो सिंपली ये क्या रिटर्न करेगा, जिस क्लास के अंदर वो डिफाइन किया है तो उस क्लास का नाम यहाँ पे रिटर्न कर देगा। तो ये इस तरह से यूज़ होगा मेथड। तो हमारा ये मेथड यहाँ पे जो रिसीव हो रहा है, तो अगर ये फंक्शन जो है एग्जिस्ट करता है, तो वही हम यहाँ पे ये वाला फंक्शन कॉल कर देंगे, पीएचपी का कॉल यूज़र फंक्शन एरे। तो ये रहा कॉल यूज़र फंक्शन एरे। तो जैसे मैंने कहा डॉलर दिस की जगह पे हम यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे इसको, ये जो क्लास कीवर्ड है यहाँ पे इस तरह से डिफाइन किया। इससे मेथड तो हमारा मेथड है, आर्ग्यूमेंट्स जो एरे ऑफ पैरामीटर्स है वो हमें यहाँ पर रिसीव हो जाएंगे। तो अगर ये एग्जिस्ट करता है तो ये चीज़ आ जाएगी, अगर नहीं करता है तो हमें जो एज एन एल्स केस में जो मैसेज हमें आउटपुट में चाहिए वो हम यहाँ पे डिस्प्ले करवा देंगे। तो ये सिंपल सा है कि जब कॉल स्टैटिक फंक्शन कॉल होगा, जब क्लास की हेल्प से हम उसके प्राइवेट स्टैटिक मेंबर फंक्शन को कॉल करेंगे, तो ऑटोमेटिकली पीएचपी इसका कॉल स्टैटिक फंक्शन कॉल कर देगा मेथड के नेम और आर्ग्यूमेंट के साथ। हम यहाँ पे टेस्ट कंडीशन लगाएंगे कि मेथड जो है वो एग्जिस्ट करता है विद इन दिस क्लास। ध्यान दीजिए, यहाँ से रिटर्न होगा हमें करंट क्लास का नेम जो यहाँ पे डिफाइन हुआ है क्लास नेम, और मेथड जो हमें चाहिए था वो हम टेस्टिंग के लिए यहाँ पे लगा दिया। और कॉल यूज़र फंक्शन एरे में हम यहाँ पे सबसे पहले क्लास का रेफरेंस और मेथड जो हमें चाहिए और
एरे ऑफ आर्ग्यूमेंट के साथ, तो ये कॉल हो जाएगा, नहीं तो अगर एग्जिस्ट नहीं करता है तो ये मैसेज एज एन आउटपुट यहाँ पे आ जाएगा। तो हमारा फंक्शन है डेमो फंक्शन, ये कॉल किया हमने यहाँ से, तो जब हम इसको यहाँ पे इस तरह से टेस्ट करके कॉल कर देंगे तो ये हमें एज एन आउटपुट यहाँ पे मिलना चाहिए। तो जैसे मैं रिफ्रेश करता हूँ, ये देखिए डेमो स्टैटिक फंक्शन इज़ कॉल्ड, तो ये जो इसका स्टैटिक फंक्शन है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे कॉल हो गया। और अगर आप जो है यहाँ से कोई फंक्शन इस तरह से यूज़ करते हो जो स्टैटिक फंक्शन अगर है नहीं, तो हमारा जो रेस्ट ऑफ द एल्स क्लास केस है वो चलेगा कि मेथड डज नॉट एग्जिस्ट और जो मेथड आप कॉल कर रहे हो वो है डेमो वन। तो इस तरह से आप जो है कॉल स्टैटिक मैजिक फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं। होप यू गाइस लाइक इट, और मेरी वीडियो के देखने के लिए धन्यवाद। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।